हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण कुमार शर्मा, योर हिस्ट्री टीचर। आई होप यू विल बी फाइन। एंड टूडे वी विल रिज्यूम द लास्ट थीम 10, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। टॉपिक फर्स्ट, राइट ए नोट ऑन जोतदार्स। जोतदार पर एक नोट लिखी है। इन फ्रांसिस बुकानन्स सर्वे वी हैव ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतदार। यानी जो फ्रांसिस बुकानन थे, उन्होंने एक ब्रिटिशर्स उन्होंने सर्वे किया और उसमें एक जो रिच पीजेंट्स क्लास है जिसको कि जोतदार बोला जाता था, उसके बारे में विविड डिस्क्रिप्शन माने वेरियस टाइप से उसका वर्णन किया गया है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी जोतदार्स हैड एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, समटाइम्स एज मच एज सेवरल थाउजेंड एकर्स। यानी उनके पास 19th सेंचुरी में एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, बहुत बड़ा भूभाग होता था और कई बार तो ये थाउजेंड एकर से भी ज्यादा होता था। दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लैंडिंग। वे जो वहाँ का जो स्थानीय व्यापार था, मनी लैंडिंग मीन्स उधार देना, महाजनी करना, एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन, और जो गरीब कल्टिवेटर्स या किसान होते थे उनके ऊपर अपनी अत्यधिक पावर को का प्रयोग करना। ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स, और उनकी जो बहुत सारी जो जमीन थी या पार्ट था उनकी जमीन का, उसको शेयर क्रॉपर्स मीन्स बटाईदार, यानी जो उनको वो उनको रेंट पर या किराए पर देते थे, और इस प्रकार उनको कल्टिवेशन किया जाता था। विद इन द विलेज द पावर ऑफ जोतदार वाज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार, और गाँव में जोतदार की जो पावर होती थी वो जमींदार से भी ज्यादा अहद होती थी और वो ज्यादा प्रभावशाली होता था। अनलाइक जमींदार हु ऑफन लिव्ड इन अर्बन एरियाज, जो जमींदार रहते थे अर्बन एरियाज माने शहरी क्षेत्रों में, सिटीज में, जोतदार वर लोकेटेड इन द विलेज, ये गांव में रहते थे, एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ए कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पुअर विलेजर्स, और जो बहुत ही गरीब विलेजर्स होते थे उनके ऊपर इनका डायरेक्ट कंट्रोल होता था। दे फियर्सली रजिस्टर्ड एफर्ट्स, और वे बड़े ही भयानक तरीके से उन एफर्ट्स को का विरोध करते थे और बाय जमींदार्स टू इंक्रीज द जामा, जामा मीन्स रेवेन्यू डिमांड ऑफ द विलेज। यानी कोई भी जमींदार अगर ये चाहता था कि हम जामा यानी रेवेन्यू डिमांड बढ़ा दें, लगान बढ़ा दें किसानों पर, तो ये इसका बहुत बैडली बुरी तरह से उसका विरोध करते थे। अगली तरीके से प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज, वे जो जमींदारी ऑफिशियल्स अधिकारी होते थे जमींदार के लोग, उनको उनकी ड्यूटीज नहीं करने देते थे। मोबिलाइज्ड रायट्स वर डिपेंडेंट ऑन देम, और उन लोगों को भड़काते थे, मोबिलाइज आंदोलित करते थे, रायट्स मीन्स वही जो पीजेंट्स और जो उन पर की निर्भर रहते थे, एंड डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार, और जमींदारों को जानबूझकर उनका पेमेंट या रेवेन्यू देने में देर करते थे। इनफैक्ट व्हेन द एस्टेट्स ऑफ जमींदार वर ऑक्शनड फॉर फेलियर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट, और जब एस्टेट जमींदारों का जो एस्टेट था भूभाग था उसको ऑक्शन माने नीलामी की जाती थी, जब वे अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो उनकी जो एस्टेट थी उसको ऑक्शन या नीलाम किया जाता था। एंड जोतदार वर एमोंगेस्ट द परचेजर, और ये जोतदार ही वो होते थे जो कि उसको खरीदने वाले होते थे।
स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक टू ड्राई चार्ट इन पावर इन रूरल बंगाल। रूरल बंगाल में एक चार्ट बनाइए जिसमें कि पावर डेमोन्स्ट्रेटेड हो। फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज ए कंपनी एंड आफ्टर दैट जमींदार्स कंट्रोल्स ऑफ न्यूमरस विलेज, आफ्टर दैट रैयट एंड बिलो हिम अंडर रैयट एंड देयर वाज ए अदर सेक्शन जोधदार ए रिच रैयट आल्सो ट्रेडर एंड मनी लेंडर एंड अंडर रैयट। दीज आर द पावर इक्वेशन इन द रूरल बंगाल इन 18th एंड 19th सेंचुरी। जमींदार्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन द रेवेन्यू डिमांड जामा ओवर विलेजर्स, यानी जमींदारों को काम था कि वो कंपनी को रेवेन्यू पे करें और विलेज से उनको कलेक्ट करके, और साथ में ही वो रेवेन्यू डिमांड भी इंक्रीज करें। ईच विलेज रैयट बिग और स्मॉल पेड रेंट टू द जमींदार। कोई भी रैयट था, कोई भी फार्मर था, चाहे वो रिच हो फार्मर या पुअर हो या बिग हो या स्मॉल हो, उसको जमींदार को ही रेवेन्यू देना पड़ता था। जोधदार्स गेव आउट लोन्स टू द अदर रैयट, और जो गरीब रैयत होते थे उनको ये लोन या ऋण या उधार देते थे। एंड सोल्ड देयर प्रोड्यूस, और इस प्रकार जब उनका प्रोड्यूस उनको क्रॉप्स आ जाती थी तो ये ही उनको उसको सोल्ड करते थे जोधदार्स। रैयट्स कल्टिवेटेड सम लैंड एंड गेव आउट द रेस्ट ऑफ अंडर रैयट्स और लैंड। ये जो रैयट्स होते थे उसमें वो कुछ लैंड को तो खुद कल्टिवेट करते थे और बाकी रेस्ट को वो जो और अंडर रैयट्स थे उनको रेंट पर किराए पर दे देते थे। अंडर रैयट्स पेड रेंट टू द रैयट्स, और इस प्रकार जो अंडर रैयट्स थे वो रैयट्स को पे करते थे, रैयट्स जमींदार को पे करते थे और जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे। स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक 3 फेस्ड विद एन एक्सोरबिटेंटली का मतलब बहुत अधिक इमेंस हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड पॉसिबल ऑक्शन ऑफ एस्टेट, यानी जब जमींदार के ऊपर बहुत अधिक ये दबाव पड़ता था, प्रेशर होता था कि वे हाई रेवेन्यू डिमांड किसानों पर या रैयट्स पर उन पर इम्पोज करें और नहीं तो उनकी एस्टेट को ऑक्शन किया जाएगा। जमींदार डिवाइज्ड द वे, तो जमींदारों ने एक वे डिवाइज्ड की, उसको इन्वेंट किया ऑफ सर्वाइविंग द प्रेशर। इस प्रेशर से बचने के लिए न्यू कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड न्यू स्ट्रेटेजीज, एंड जब नए कॉन्टेक्स्ट होते हैं तो उसी में हम नई स्ट्रेटेजी रणनीति बनाते हैं। एक्सप्लेन दीज लाइन्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड इट इज द लॉन्ग क्वेश्चन। फिक्सियस फर्स्ट पॉइंट, फिक्सियस सेल वाज वन सच स्ट्रेटेजी, जो फिक्सियस सेल थी, फिक्सियस का मतलब काल्पनिक स्ट्रेटेजी, इट इन्वॉल्व्ड ए सीरीज ऑफ मैनोवर्स, और इसमें उनका काफी वे कुशलता या एक्सपर्टनेस अपनी दिखाते थे। द राजा ऑफ बुर्दवान फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए जो बुर्दवान राजा था, बुर्दवान जो एस्टेट थी उसका जो राजा था, फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर, सबसे पहले उसने अपनी जमींदारी कुछ मदर को दे दी, उसको ट्रांसफर कर दी। सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वोमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, क्योंकि कंपनी का एक कानूनी आदेश था कि अगर कोई प्रॉपर्टी महिला की है तो उससे उसको वापस नहीं लिया जा सकता था। देन एज द सेकेंड मूव, फिर इसके बाद हिज एजेंट्स, जो उनके जो आदमी होते थे, एजेंट्स या कार्यकर्ता होते थे जमींदार के, मैनुपलेटेड द ऑक्शंस, वो ऑक्शंस पर मैनुपलेट करते थे, उस पर एकाधिकार करके लगभग उस पर कब्जा कर लेते थे। द रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ कंपनी वाज डेलिबरेटली विदहेल्ड
और इस प्रकार जो कंपनी डिमांड करती थी रेवेन्यू की, उसको जानबूझकर ये रोक लेते थे। विदहेल्ड मीन्स रोकना, डेलीबरेट मैंने जानबूझकर, एंड अनपेड बैलेंसेस, और जो जो ये अवशेष धन होता था यानी जिसको ये पे नहीं करते थे, वर अलाउड टू एक्यूमुलेट, वो लगातार उसको वो इकट्ठा करते रहते थे और कंपनी को नहीं देते थे। फोर्थ पॉइंट, वेने पार्ट ऑफ द स्टेट वाज ऑप्शन, जब किसी एक जब एस्टेट का एक पार्ट ऑप्शन होता था, उसको नीलामी की जाती थी, उसकी बोली लगाई जाती थी। ऑक्शन का मतलब जब लोग किसी प्रॉपर्टी को, किसी वस्तु को बोली लगाकर खरीदते हैं। द जमींदार मैन बोट द प्रॉपर्टी, तो जमींदार के आदमी ही उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे। एंड आउटबिडिंग द अदर परचेजर, और दूसरे परचेजर्स को वे लगभग बाहर करते थे, उनको बोली ही नहीं लगाने देते थे और अधिक से अधिक खुद ही बोली लगा लेते थे। सब्सिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे अप परचेज मनी, और इसके बाद जो मनी परचेज करने के लिए कंपनी को देनी होती थी उसे देते ही नहीं थे। सो दैट स्टेट हैड बी टू बी रिसोल्ड, तो इस प्रकार इस हालत में आ जाती थी कंपनी कि उसको दोबारा से फिर ऑक्शन ऑर्गेनाइज करनी पड़ती थी और उसको दोबारा रिसोल्ड की प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ता था। वंस अगेन इट वॉज बोट बाई जमींदार एजेंट्स एंड वंस अगेन देयर वॉज एन ऑप्शन, अगर फिर दोबारा जो कंपनी उसको ऑप्शन करती थी तो जमींदार के एजेंट फिर वैसे ही करते थे जैसे पिछली बार किया, और इस प्रकार लगातार वो ऑप्शन में ऑप्शन को इसी प्रकार वो अगेन ऑप्शन बार बार ऑप्शन होती रहती थी। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड एंडलेसली, और ये प्रोसेस लगातार अंतहीन चलती रहती थी। एग्जॉस्टिंग द एस्टेट, एंड इस प्रकार जो इस्टेट का मतलब जो कंपनी रूल था वो थक जाता था। एंड अदर बिडर्स एट द ऑप्शन, और जो सारे बिडर्स जो बोली लगाने वाले खरीदार होते थे सब एक्चुअली दे फेल्ट देमसेल्व एज टायर्ड, वे अपने आप को थका हुआ महसूस करते थे। एंड एट लास्ट द एस्टेट वॉज सोल्ड एट लो प्राइस बैक टू जमींदार, इस प्रकार ये इस्टेट बहुत कम कीमत पर जमींदार को दोबारा से बेच दी जाती थी। द जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड, और जमींदार कभी भी पूरी रेवेन्यू डिमांड यानी जो होती थी कभी भी कंपनी को पे ही नहीं करते थे। द कंपनी रेयरली रिकवर्ड द अनपेड बैलेंसेज दैट हैड पाइल्ड अप, और इस प्रकार कंपनी को बड़ी मुश्किल से ही अनपेड बैलेंस जो कि पुराना बैलेंस था, रुका हुआ धन था, वो मुश्किल से होता था क्योंकि वो पाइल्ड अप माने इतना ज़्यादा हो चुका होता था कि उसको अब वापस लेना बहुत ही डिफिकल्ट मुश्किल टास्क था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 4, मेंशन सम अदर वेज यूज्ड बाय जमींदार टू अवॉइड ऑक्शन, ऑक्शन को अवॉइड करने के लिए जमींदार और दूसरे क्या मेजर या कदम उठाते थे। एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने उनकी जगह को छीन कर दूसरे लोगों को दी जाती थी। व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी, जब लोग बोट एन एस्टेट एट द ऑक्शन, मान लीजिए कोई किसी ऑक्शन में बाहरी व्यक्तियों ने किसी जमींदार की एस्टेट को, भूभाग को, जमीन को खरीद लिया, दे कुड नॉट ऑलवेज टेक पोजिशन, लेकिन वे उसका उस पर पोजिशन अधिकार नहीं कर सकते थे। एट टाइम्स देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाई लाठियाल्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार, क्योंकि जो जमींदार के जो लाठियाल्स लाठीदारी लोग होते थे, जो उनके मसल हायर्ड मसल्स मैंस होते थे, वो उन पर अटैक कर देते थे और उनको वहां से भगा देते थे। समटाइम्स इवन द रायट्स रजिस्टर्ड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर, और कई बार तो वहां के जो रायट्स जो फार्मर होते थे वही जो बाहरी आउटसाइडर्स का को रजिस्टर करते थे, विरोध करते थे। दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन जमींदारी जमींदार थ्रू ए सेंस ऑफ लॉयल्टी, एंड क्योंकि बहुत सारे जो किसान थे रायट्स थे वे अपने आप को अपनी स्वामी भक्त मानते थे जमींदार का, और एंड रिसीव्ड
हिम एज ए फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्व्स एज हिज प्रजा, और उनको मानते थे कि ये हमारे राजा हैं, किंग हैं, मालिक हैं, ऑनर हैं और ये सब कुछ हैं और हम उनकी प्रजा या सब्जेक्ट हैं। द सेल ऑफ जमींदारी डिस्टर्ब्ड, इस प्रकार जो जमींदारी की जो सेल थी डिस्टर्ब्ड देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि अगर उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी जो उन्होंने एक पहचान बन रहती थी उससे वो डिस्टर्ब होती थी, क्योंकि वे किंग को अपना ओनर स्वामी मालिक मानते थे और अपने आप को उनके लगभग गुलाम जैसा ही समझते थे। देयर प्राइड, उनके प्राइड पर भी चोट लगती थी। द जमींदार देयर फोर वर नॉट इजिली डिस्प्लेस्ड, इसलिए आसानी से किसी भी जमींदार को उसके एस्टेट से, उसके भूभाग से, जमीन से डिस्प्लेस्ड हटाया नहीं जा सकता था। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 5, राइट ए नोट ऑन फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी? मैनी ऑफ चेंज वी आर डिस्कसिंग वर डॉक्यूमेंटेड इन डिटेल इन ए रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी बहुत सारी जो चेंज को जो हम डिस्कशन करते हैं डॉक्यूमेंट के थ्रू डिटेल में, तो ये रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट की जाती थी, यानी इट वाज द फिफ्थ ऑफ ए सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये फिफ्थ रिपोर्ट थी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इट वाज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ऑफन रेफर्ड एज फिफ्थ रिपोर्ट, इसके लिए ये सीरीज में फिफ्थ थी तो इसको फिफ्थ रिपोर्ट कहा गया। इट रेन इंटू 1002 पेजेस, इसमें 1002 पेज थे, ऑफ विच ओवर 8000 पेजेस वर अपेंडिक्स, और इसमें 800 पेज और जो है अनुबंध के रूप में यानी इसमें जो अटैच से जुड़े हुए थे, दैट रिप्रोड्यूस्ड पेटिशंस ऑफ जमींदार एंड रैयट्स, और ये अभी अपेंडिक्स क्या थी, जमींदार और रैयट्स की ये पेटिशंस याचिका या एप्लीकेशन थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजी गई थी। रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, स्टैटिस्टिकल टेबल्स ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, और इस रिपोर्ट में क्या था कि जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे, उनके कलेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट दी थी और जितना रेवेन्यू रिटर्न आया था यानी जितना राजस्व कंपनी ने उनको मिला था, वसूल किया था, उसकी स्टैटिस्टिकल टेबल यानी सांख्यिकी गणना थी कि कितना था, कितना वसूल हुआ और कितना मिला, यानी सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में, इन रिपोर्ट्स में शामिल होती थी जो लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शंस एक्टिविटीज़ के बारे में लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की जाती थी। एंड नोट्स ऑन द रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास, और इसमें साथ में इसमें नोट्स यानी जो निबंध या लेख के रूप में भी होते थे, रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो राजस्व और न्यायिक जो प्रशासन है बंगाल में कंपनी का, बंगाल में और मद्रास में, मद्रास क्या प्रेजेंट डे तमिलनाडु, रिटन बाय ऑफिशियल्स, यानी ऑफिशियल्स ये भी लिखते थे कि हमारा रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क कर रहा है बंगाल और मद्रास प्रोविंस में। स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 6, डिफाइन लाठियाल। लाठियाल लिटरली वन हू विल्डेड द लाठी, जिसके पास लाठी धारण करने वाला व्यक्ति और स्टिक या एक छड़ी होती थी, लाठी होती थी, फंक्शनड एज ए स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द जमींदार, जमींदार के बाहुबली के रूप में, मसल्स मैन के रूप में ये वर्क करते थे। स्टूडेंट्स, दीज आर द 6 क्वेश्चंस एंड राइट दीज क्वेश्चंस ऑन योर हिस्ट्री नोटबुक। थैंक यू वेरी मच।